ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना पका है। इसको इस तरह से हम काटेंगे और ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन तरीके से कुक हुआ है, कम्प्लीटली कुक हो गया दोस्तों। यू वॉन्ट बिलीव ये कितना अच्छी तरह से कुक हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश चौवर्ती का किचन में। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा, वो भी बिना बेस के, क्योंकि उसका बेस जो है वो चिकन से ही बनेगा दोस्तों। तो उसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन लिया है हमने, वो भी बोनलेस, और साथ ही हमें चाहिए मोजरेला चीज़, इसे हमने ग्रेट करके रख लिया था। ये करीब 100 से 125 ग्राम हम लोग इसे यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून नमक, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी सी शिमला मिर्च, 1 टमाटर और 1 प्याज, और साथ ही हमने लिया है 50 ml दूध, ओरिगैनो, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। अब ऐड करेंगे आधा टीस्पून ओरिगैनो, पिंच ऑफ काली मिर्च, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून नमक, ये स्टैंडर्ड साइज का चम्मच है दोस्तों, आधा टीस्पून का। अब पहले गैस जलाएंगे। ये देखिए हमने मिंस किया हुआ चिकन रख लिया है। सबसे पहले हम लोग पैन को चढ़ाएंगे, उसके बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें मिंस किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे, और अब इसको इस तरह से प्रेस करके एक गोल शेप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपका करछी में चिपके तो आप इसमें इस तरह से पानी ऐड कीजिए और इसको इस तरह से फिर प्रेस कीजिए, इजीली हो जाएगा। बल्कि आप एक कटोरी रखिए अपने साथ में और कटोरी में ऐसे इसको डुबाइए और उसके बाद इसको प्रेस कीजिए, बहुत ही ईजीली हो जाएगा दोस्तों, आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको करने में। तो बस दोस्तों, अब हम इसे ढक के पकाएंगे 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। 6 मिनट हो गए दोस्तों, इसको ओपन करके देखते हैं। अब आप देखेंगे कि चिकन ने सारा पानी छोड़ दिया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर और पकाइए, सारा पानी अपने आप सूख जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गैस की फ्लेम को बंद कर दें और सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, उसके बाद और अब इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कीजिए अपने हिसाब से, आपको जितना चाहिए, साथ में टॉपिंग्स भी ऐड कर लीजिए। हमने टॉपिंग्स कुछ इस तरह से ऐड किए हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे चुटकी भर, और साथ ही हम इसमें ओरिगैनो भी ऐड करेंगे, और अब इसमें चीज़ ऐड करेंगे ऊपर से। चीज़ आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, और साथ ही अब गैस को जलाएंगे और इसे 7 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। 7 मिनट हो गए दोस्तों, अब इसे ओपन करके देखते हैं। वाओ, क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, ये देखिए वही पिज़्ज़ा वाली खुशबू बिना पिज़्ज़ा बेस के, वाह। तो चलिए दोस्तों, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको बड़ी सावधानी से निकालिएगा इस तरह से, और एक प्लेट साथ में लीजिए और उसमें रख लीजिए इजीली। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा पिज़्ज़ा। अब हम इसमें थोड़ा सा ओरिगैनो ऐड करेंगे और साथ ही थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे, और अब इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप इसको वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने बनाया तो ये बहुत ही बेहतरीन निकल के आएगा, एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।